अब इतनी सारी पर्सनालिटी, कोई फास्ट बोलता है। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो। किसी का ब्रीदिंग स्पेस कम है, किसी के पॉजेस कम है। अटैकर्स कौन थे, कहाँ है, किसने भेजा, ये कैसे करते हो आप, ये क्या इसका सीक्रेट है? जॉइन फिल्म्स www.joinfilms.com joinfilms www.joinfilms.com joinfilms www.joinfilms.com गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, गुरु हो या कोई और हो, चौथी चीज ये डबिंग है। अभी शाहरुख साहब खुद करते हैं डबिंग, अब तो सब करते हैं, उनके बेटे भी करते हैं, अब तो सब कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन फिल्म्स अकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं जब आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं। स्थिति परिस्थिति सबकी अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है, उसके बारे में डर लगता है, फियर होता है, अनसर्टेनिटी दिखती है, लगता है कि हमारी किस्मत में है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं उनसे जो इन रास्तों पर चले हैं, जिन्होंने इसको जिया है और उसके बाद सफल हुए हैं। तो इस सेक्शन में हम आपको उन्हीं की बात बताएंगे, उन्हीं की ज़बानी, जिन्होंने इसको जिया है, इसको झेला है और इसको पार पा के सफलता हासिल की है। अब इतनी सारी पर्सनालिटी, कोई फास्ट बोलता है, किसी का ब्रीदिंग स्पेस कम है, किसी के पॉजेस कम है, तो ऐसे में उसके इमोशन को भी उस लेवल तक लेके जाना, ये कैसे करते हो आप, ये क्या इसका सीक्रेट है? सर रियाज है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको ऑब्जर्व करके आप प्रैक्टिस करते हो, ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बोलते टाइम अगर आप फास्ट भी बोल रहे हैं, जैसे एक एक्सरसाइज होती है, दिखने वालों को बताता हूं मैं कि एक्सरसाइज होती है, वो न्यूज़पेपर रीडिंग की होती है, राइट। जैसे आप पहले धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइन फिल्म्स www.joinfilms.com, अब ये हमारी कितने में गाड़ी चली, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, राइट, चली। अब इसको फास्ट पढ़ना है, joinfilms.com, इसको फास्ट फास्ट पढ़ना, तो वो स्टेमिना बनता है और उसके बाद आपकी क्लियरिटी बनती है, क्योंकि उस क्लियरिटी के लिए एक एक्सरसाइज होती है, जैसे आपको पढ़ते टाइम दांत भींच के पढ़ना चाहिए, ओके। तो ये सब एक्सरसाइज होती हैं जब तो ये आपको पता चला। अब मेरे को एक और क्वेश्चन, कि जब हम एक्टिंग करते हैं तब हम डायरेक्टर के उस पे चलते हैं, जी हाँ, है ना, वो उनके हाथ में कमांड, जब आप डबिंग करते हैं जी तो कमांड पूरा आपके हाथ में होता है या डबिंग डायरेक्टर के हाथ में होता है? डबिंग डायरेक्टर के हाथ में होता है और हमारे हाथ में भी होता है। होता यह है कि कमांड उसको अपने हाथ में लेना पड़ता है जो परफॉर्म कर रहा है, वो ही पूछ, हाँ, अगर तो हमको ये लग गया कि यार ये सामने वाला जो बता रहा है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब अगर आप किसी के यहाँ काम करने गए हैं, अब वो अपने प्रोडक्ट को डुबोना ही चाहता है, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमको, मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ हम जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, वो अच्छे से अच्छा बने, लोगों के समझ में आए, लोग एंजॉय करें, बात पहुंचे अपनी ऑडियंस तक, यही है मेरे ख्याल से एक्टिंग और डायलॉग। और नॉर्मली एक्टिंग में क्या होता है कि आप हिंदी फिल्म में काम करते हैं, कुछ एक दो रीजनल में कर लेते हैं, लेकिन आप हिंदी में भी काम कर रहे हैं एज ए वॉइस एक्टर, साउथ में भी काम कर रहे हैं, हॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं और सारे स्टार्स की कर रहे हैं। तो आपको लगता है शक्ति जी, इतने सालों के बाद जब आप सक्सेसफुल हैं, कि एक्टर के लिए डबिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है फॉर द सर्वाइवल पर्पज, और साथ ही साथ एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी, क्योंकि एक्टर घर में तो प्रैक्टिस करता नहीं कभी, तो यहाँ पर इनकम भी हो सकती है और प्रैक्टिस भी हो सकती है, क्या करेंगे? सर इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है मिस्टर विवेक ओबराय। विवेक ओबराय साहब के फादर बहुत बड़े वॉइस एक्टर थे, बहुत बहुत अच्छे एक्टर थे, और विवेक साहब फॉरेन से एक्टिंग वगैरह सीख के आए थे, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्राउड तक में डबिंग की है। अभी इत्तेफाक से मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी पीएम मोदी, तो मेरी उनसे फिर से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बोला पहचाना, अरे बोलते शक्ति जी आपको कौन नहीं पहचानता, मैंने कहा अच्छा यार फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझको पहचानते हो, तो एक्टर को बार बार वो, तो उन्होंने यहाँ आकर सबसे पहले एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल करके लीला जी करवाती थी, वो सीब्स में होता था, सीब्स अंधेरी ईस्ट में, तो ये आदमी वहाँ आके डबिंग करते थे, फिर जाते थे क्राउड में करते थे। ओके, मतलब ये पहले डबिंग की इन्होंने, बाद में एक्टिंग में गए, फिर एक्टिंग सीखा और फिर डबिंग से हेल्प लिया एक्टिंग। ओके, तो डबिंग बहुत मदद करती है आपकी, बहुत मदद करती है।
दोनों रूप में, सर्वाइवल में भी और सर्वाइवल ट्रेनिंग भी, सर्वाइवल में भी करती है। हाँ। जैसे आपने एक्टिंग के समय मुझसे पूछा था कि जब आपका डाउन डाउन हिल आप जा रहे होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, खाने को कुछ नहीं हो रहा है, तो उस समय कौन, तो मैंने तीन चार चीजें बताई थी, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, गुरु हो या कोई और हो, तो चौथी चीज ये डबिंग है। अगर ये भी एक गर्लफ्रेंड है जिसने बहुत अच्छे संभाला, जिसने बहुत अच्छे संभाला और अभी तक संभाल रही है, और मैं ये कहना चाहूंगा मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने ये सोच के या ये करके छोड़ दिया कि अरे यार डबिंग आर्टिस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो मेरे दिमाग में कई बार ये चीजें आती थी, लोग बोलते थे कि अरे यार ये डबिंग, तो मुझे लगा कि यार कैसे हो जाऊंगा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि सबके साथ मैं शाहरुख खान की फिल्म अपना उसमें भी किया है, अपना राजू बन गया जेंटल में शाहरुख मिले भी थे, अजीज भाई उसी में थे, उन्होंने बुलाया, मैं करूँगा, तो उन्होंने बहुत तारीफ की, इज अ वेरी गुड एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है ये। अभी शाहरुख साहब खुद करते हैं डबिंग, अब तो सब करते हैं, उनके बेटे भी करते हैं, अब तो सब कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि हम करें, चाहते हैं, अब तो चाहते हैं अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। तो आपने आज के वीडियो में उस सवाल का जवाब जाना जो सवाल आपको परेशान करता था, जो सवाल आपको रोकता था यहाँ पर एंटर होने से, जो सवाल आपको आपके परिवार को डराता था। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसके बाद अब जब सफ़र तय करना शुरू करेंगे तो वो जोश से भरा होगा, कॉन्फिडेंस से भरा होगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ या कलाकारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है।